हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं उसके टाटा पंच की एक्सेसरीज की, बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं और आप उनको चेक कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत सारे वीडियोस का, टाटा पंच की माइलेज वगैरह। और जिसमें अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी सिटी में चला रहा हूँ, मेरी कॉलोनी वगैरह में, तो थोड़ा सा मैं आपको ड्राइविंग का टेस्ट देता हूँ। और ये यहाँ पे क्या होता है कि सिटी में जब कॉलोनी वगैरह में चलाते हैं ना, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया ऐसे आता है, बहुत देख के चलानी पड़ती है। तो मैं बस वही आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ कि सिटी वगैरह में और कॉलोनीज में क्या रहता है। माइलेज इसकी कम आती है, अभी 12.2 की माइलेज है, 12.2 किलोमीटर पर लीटर। क्योंकि इसके अंदर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने गाड़ी ली है नई और हमें 10 से 12 से ऊपर माइलेज मिल नहीं रही। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो वो कहते हैं कि सर 13-14 माइलेज रहती है। तो मैं उन सबको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप गाड़ी चलाएं, जो इसका ट्रिप है, ट्रिप ए ट्रिप बी, इनको ज़ीरो कर लें। अगर आप लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हैं तो आपको वो आइडिया रहेगा, अगर आप लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हैं ना, तो आप उसको ट्रिप को ज़ीरो रखें, क्योंकि ज़ीरो के बाद ना वो एक्चुअल में आपको जो माइलेज है वो शो करती है ये गाड़ी। अदरवाइज इसमें क्या रहता है कि आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, आप 500-600 किलोमीटर तक चले गए और फिर आपने बीच में रोक दी गाड़ी, तो उसके बाद बीच में क्या रहता है, कई बार एक माइलेज ना वहाँ पे सेट हो जाती है। मान लो 17 पे आ गई ना, तो वो 17-17.5 होती रहती है, वो 20 बड़ी मुश्किल से जाती है। वो आपको कहाँ चेक करनी है, वो आपको चेक करनी है जो स्क्रीन में होता है ना, उसमें दिखाता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, वहाँ पे आपको 22-23 दिखती रहती है। तो ये आप एक बार ट्राई करना, उसमें आपको एक्चुअल फिर आपको पता चलेगी कि क्या माइलेज चल रही है। जैसा कि मैंने भी बहुत बार ये देखा है, मेरे को प्रॉब्लम आई है क्योंकि मैं गाड़ी बड़ी मेंटेन करके चलाता हूँ, 75 किलोमीटर पर आवर की इस पे स्पीड पे, और मैं क्रूज कंट्रोल पे रखता हूँ उसको, और फिर मेरे को दिखता है कि 17.8 है, 18 तक हो रही है, उससे आगे बढ़ती नहीं है जो इसके अंदर MIDs में जो होती है। तो फिर क्या करना पड़ता है, इसको ट्रिप को ज़ीरो करना पड़ता है, उसके बाद जो शुरू होती है ना, फिर ट्रिप 10 से 11 12 ऐसे बढ़ती रहती है, और वो 20 प्लस भी चली जाती है। तो अभी मैं बहुत टाइम से इसको सिर्फ सिटी में चला रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा माइलेज वगैरह का दिक्कत भी नहीं आई है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताई ये चीज़ें, अब माइलेज कैसे उसकी सेट करनी है, कैसे आइडिया लगाना है माइलेज का, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके अलावा क्या है कि आप परेशान ना हो, इसके माइलेज ठीक ही आती है, और माइलेज का इसके अंदर सबसे मेन इशू रहता है कि माइलेज बढ़ती नहीं है। अगर यहाँ पे 14-15 दिख रही है तो 14-15 रहती है, तो आपको ज़ीरो करनी पड़ेगी वो एक्चुअल माइलेज जानने के लिए। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। तो वीडियो में इतना ही गाइस, अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं टाटा पंच की माइलेज की, मैंने एक्चुअल माइलेज भी वीडियो डाल रखी है, सिटी में भी हाईवे में भी डाल रखी है, और आपको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगती है, माइलेज के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो बताएं। अभी मैं थोड़े दिन में एक और लॉन्ग रूट की इसमें राइड करूँगा, जिससे पता चलेगा एक्चुअल माइलेज का। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर जरूर करिए वीडियोस को। थैंक यू गाइस।